ये देख सकते खरगोश कैमरे में, वो बेचारे भी परेशान है, इतनी ज्यादा लाइटें कहां से आ गई। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित। आज मैं आपके लेके आया हूं ऑल न्यू बलिनो का नाइट ड्राइव रिव्यू। आप सभी मुझसे जानना चाह रहे थे कि पहाड़ों में ये जो LED लाइटिंग सेटअप मारुति अपनी गाड़ियों में दे रही है, चाहे आप ग्रैंड विटारा देखिए, ब्रेजा देखिए या फिर बलिनो देखिए, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अभी हम काफ़ी घने जंगल में हैं और पहाड़ी रास्ता है, ये पिथौरागढ़ का हाईवे है और यहाँ पर हम देखेंगे गाड़ी किस तरीके से परफॉर्म करती है अपनी लाइटिंग के साथ। जैसे इसमें फॉग लैंप आपको दिए गए LED सेटअप के साथ है और मुझे कुछ कमियाँ भी इसमें देखने को लगी है और कुछ इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, सब कुछ आपको समझाऊंगा। उसके बाद ऑफ रोड भी करेंगे इन्हीं लाइटों से, ऑफ रोड में देखेंगे किस तरीके से परफॉर्म करता है। अभी मैं बाहर से आपको शॉट नहीं दिखाऊंगा, वीडियो में आगे चल के दिखाऊंगा, क्योंकि यहां पर बहुत घना जंगल है और जानवर भी यहां रात को निकलते हैं, तो थोड़ा सा रिस्की मामला है। बाकी हम चलते हैं, इसको डालते हैं ड्राइव मोड में और आगे आप बढ़ेंगे। तो अभी मैंने इसका हाई बीम ऑन करी हुई है क्योंकि अभी ट्रैफिक यहां पर नहीं है, इसको हम बंद करते हैं। अब देखिए पूरा क्या विजिबिलिटी यहाँ पर ये दे रही है। आज इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है और लाइटिंग सेटअप में अगर आप मेन ध्यान डालेंगे, अगर आप बलिनो का जीटा मॉडल लेते हैं या फिर आप इसका अल्फा वेरिएंट लेते हैं जो आज हमारे साथ है, ऐसा कुछ लाइटिंग सेटअप आपको देता है, बहुत ही ज़्यादा शानदार लाइटिंग में से कहता हूँ। लेकिन इसमें ना एक चीज़ मैं कहूँगा अलग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, अगर आप गाड़ी को कॉर्नर करते हैं तो यहाँ पर ना जो कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स है उसकी आपको थोड़ी कमी महसूस होगी। अभी हम काफ़ी अच्छी स्पीड यहाँ पर बना के चल रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप कैमरे को बीचों बीच में पकड़ के चलेंगे ना, पूरा अगर आपको पूरा ड्राइवर व्यू देखने को मिले तो ये कुछ है। बाकी अगर मैं इसको सिर्फ डालूँ लो बीम में, तो लो बीम में जो इसका लाइटिंग कट ऑफ है कुछ ऐसा आपको होगा। देखिए लो बीम ज़्यादातर अगर आप शहरों में गाड़ी चला रहे हैं तब है, लेकिन पहाड़ों में हाई बीम आप ज़्यादा पसंद करेंगे, उससे आपको दूर तक विजिबिलिटी मिलेगी, देख सकते हैं। बाकी ये पिथौरागढ़ का हाईवे है, काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँ एक तरीके से पतली पतली रोडें हैं और यही रास्ता जागेश्वर को भी जाता है, अगर आप आए होंगे यहाँ तो आपने ज़रूर देखा होगा। और लाइट देखें, बिल्कुल खुश होंगे आप इन लाइटों से, कोई शिकायत आपको नहीं होगी। और लाइटिंग सेटअप के साथ आप देखेंगे जो इसमें IRVM आपको दिया गया है वो आपको फुली इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर कोटिंग के साथ मिलता है, यानी कि इसमें आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि आपको ऑन ऑफ करना है, डे नाइट स्विचिंग करनी है, फुली ऑटोमेटिक दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब देखिए मेन फोकस डालते हैं रोड में। मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी में अगर कॉर्नरिंग फॉग लैंप होते तो बहुत बढ़िया चीज़ होती। अब जो इससे पहली रोड में मैं चल रहा था वो थी अल्मोड़ा वाली रोड है, उसमें बहुत तीखे वाले बैंड है, मतलब जो भीमताल वाली रोड है उसमें कॉर्नरिंग फॉग लैंप थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये जो रोड है मैं देख रहा हूँ एक तरीके से यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कॉर्नरिंग फॉग लैंप्स की, और मेनली अगर आप लो बीम और हाई बीम के कॉम्बिनेशन से चलेंगे तो आपका काम बनेगा। लो बीम की बात देखें तो देखिए कैमरे में आपको अगर स्ट्रेट एंगल में आप देखेंगे तो आपको जो कट ऑफ है बहुत शार्प देखने को मिलेगा। काफ़ी लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इस कट ऑफ को थोड़ा कहते हैं कि यार इतना शार्प कट ऑफ नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा डिस्पर्स और होनी चाहिए थी लाइट। तो वहाँ पर आपके पास है हाई बीम जिसमें आपको खुल के व्यू मिलेगा और दूर तक आप देख पाएंगे। अब ये जो अभी रोड थी थोड़ी सी ज़्यादा कंजेस्टेड थी तो हमने बड़े आसानी से गाड़ी को यहाँ पर टर्न कर लिया है। और अगर आप ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऐसी कुछ विजिबिलिटी आपको मिलती है। अभी गाड़ी पूरी तरीके से डी मोड में चल रही है और अभी आगे चढ़ाई आ रही है तो वो अपने अकॉर्डिंग गियर्स को शिफ्टिंग करेगी, लेकिन हमारा मेन गोल है भाई साहब किस तरीके की विजिबिलिटी आपको दे रही है। साथ ही जो फ्रंट में आपको हेडअप डिस्प्ले देखने को मिल रही है, और इसकी भी खास बात यही है ना, जो ड्राइवर सीट में बैठा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ उसी को देखने को मिलती है। और जैसे ही मैं गाड़ी रोक के आपको दिखाता हूँ और बढ़िया तरीके से आपको दिखाएगी। और यहाँ पर इसका पूरा क्लस्टर है, ये इसकी 9 इंच की स्क्रीन है जिसकी विजिबिलिटी बिल्कुल सही लगेगी किस तरीके से मेंटेन किया गया। बाकी एम्बिएंट लाइटिंग और ये सेटअप अभी कुछ भी इसमें विजिबल नहीं है। अब देखिए एड स्टार्ट स्टॉप की मदद से गाड़ी का जो इंजन है कट ऑफ हो जाता है जिससे फ्यूल की थोड़ी बहुत बचत हो। बाकी गाड़ी अभी ना थोड़ा सा देखिए अब जाके इसने सेकंड गियर को लगाया है, यानी कि चढ़ाई आने पे जो इसका AMT है ये थोड़ा सा RPM को अप कर देता है जिससे आपको ज़्यादा स्मूथ राइडिंग मिले। गाड़ी इस तरीके की विजिबिलिटी देती है कि जो आगे से ट्रैफिक आ रहा है उसको ज़्यादा दिक्कत फील नहीं होगी, जितना मेरा मानना है, क्योंकि आप चाहे तो इसको सीधे लो बीम में कर दीजिए, फिर देखिए जो कट ऑफ है बहुत ही शार्प है, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि रोड ही ख़त्म हो गई है, और जहाँ पर आपको खुला ट्रैफिक मिले या फिर खुली रोड मिले आप इसमें लगा सकते हैं अपनी हाई बीम को, जिससे आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाए और सेफली आप गाड़ी को चला पाए। बाकी अब हम जो मेन अपना ऑफ रोड, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि ऑफ रोड में भी गाड़ी को लेके जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, गाड़ी जब तक 10-15 की स्पीड में थी इसका फ्रंट कैमरा भी काम कर रहा था, और यहाँ पर तो हम हाई बीम को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कोई और ट्रैफिक यहाँ पर नहीं है। बाकी ये पूरा आप जो सेटअप है लाइट्स का देख सकते हैं किस तरीके से रोड पर पड़ रहा है, और इसमें अगर आप लो बीम कर देंगे तो इतनी लो बीम बनती है लाइट्स ऑफ करके, आपका जो DRL है वो इतनी विजिबिलिटी आपको दे पाते हैं जो कि रोड में आप देखेंगे फॉग लैंप आपके ये यूज़ हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इसकी फॉग लैंप्स को,
फॉग लैम्प में बस कॉर्नरिंग फॉग लैम्प थोड़ा सा नेटपिकिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इससे कोई नेगेटिव मैसेज आप तक जाना चाहिए। बड़े आसानी से सस्पेंशन और इन चीज़ों की बातें तो होंगी ही, लाइटिंग में भी गाड़ी बिल्कुल पास है और हाई बीम ऐसा नहीं है कि वहाँ पहाड़ तक आपको देखने को मिल जाए, लेकिन बीम थ्रो ठीक है इसका। लाइट्स आप देख ही पा रहे होंगे, जो पीछे कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा आपको शेक होते हुए दिखेगा। और यहाँ पर मैं आपको बाहर का शॉट भी दिखाता, लेकिन वो आपको नीचे दिखा दूंगा मैं। नीचे जब गाड़ी हम पार्क करेंगे वहाँ पर आप लाइट का शॉट देखिएगा, बाकी कॉर्नर में आप देख ही सकते हैं लाइट्स का ऐसा कुछ कट ऑफ आपको मिलता है। ये बहुत शार्प टर्न है और इसमें भी जो लाइट्स है वो आपको अच्छा जजमेंट देती है। तो ये भी हमने क्रॉस करा, लाइटिंग यहाँ पर भी देखेंगे ऐसी कुछ है, और सामने आपको सारे जो उत्तराखंड के विलेजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। ये देखिए खरगोश देख सकते हैं आप कैमरे में, ये देख सकते हैं खरगोश कैमरे में, वो बेचारे भी परेशान है इतनी ज़्यादा लाइटें कहाँ से आ गई। बाकी कंपनीज में आप देखते हैं कि बस वो नाम की लाइटें देते हैं, ऐसा नहीं है। इवन पॉइंट आउट किया जाए तो क्रेटा की लाइटिंग अगर आप देखें एलईडी में तो उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया लाइटिंग मिल जाती, सिर्फ वो दिखने की बढ़िया होती है, लेकिन यहाँ पर मारुति की जो लाइटिंग है काम भी ठीक करती है। ग्रैंड विटारा को मैंने रात को टेस्ट नहीं किया लाइटिंग में, वो आपके लिए कभी किया जाएगा वीडियो में, बाकी लाइटिंग उसमें भी बहुत शानदार है। पीछे मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है तो उसका थोड़ा साउंड आ सकता है, वैसे बॉडी में कोई ज़्यादा रेटलिंग नहीं है इसमें। तो ये हमारा सारा ख़राब रास्ता भी इनकाउंटर होता है, ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं जब आप कभी कभार ख़राब रास्तों में चलेंगे तो वो आपको मिलता है। बाकी आपने खरगोश भी देखा जो कि यहाँ रात को मिल जाते हैं, और गाड़ी अभी डी मोड में ही है, थोड़ा पुश करते हैं। देख सकते हैं लाइटिंग किस हिसाब से यहाँ पे बिहेव कर रही है, और बाहर से आपको पूरा जो लाइट का सेटअप है वो दिखाया जाएगा। इंजन आपको इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल मिलता है, 90 bhp और 113 nm के टॉर्क के साथ। फ्यूल इकोनॉमी कंपनीज कहती है 23 तक दे सकती है, 30 kmpl के रेंज में आपको इसमें CNG में मिल जाएगा, किलोमीटर पर kg तक आपको CNG में मिल जाएगा, लेकिन रियल लाइफ अगर आप पहाड़ों में चलाते हैं ऑफ रोड करते हुए तो 11 का आपको मिलेगा। नॉर्मली आपको 14 के आसपास मिल जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप हाईवे में चलाएंगे तो 24 के आसपास मिलता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर गाड़ी को रोक के आपको थोड़े बाहर के शॉट दिखाया जाए गाड़ी की लाइटिंग कैसी है। तो दोस्तों ये कुछ हमने आज देखी ऑल न्यू बलिनो किस तरीके का लाइटिंग सेटअप है। अब आप देख लीजिए फ्रंट में आप देखेंगे फुल LED सेटअप आपको ऑफर किया गया है, कहीं पर भी हैलोजन वाला सिस्टम नहीं है, सिर्फ जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन दिए गए हैं। साथ ही जो परफॉर्मेंस है लाइटिंग की काफ़ी सही बनाई गई है, सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा था अगर ये कॉर्नरिंग फॉग लैम्प इन फ्यूचर मारुति दे दे, वैसे तो जो दिया है बहुत दिया है, मैं अपना एक वैल्यू एडिशन दे रहा हूँ कि अगर मिल जाए तो गाड़ी बिल्कुल बहुत ज़्यादा आनंद आपको देगी पहाड़ी तीखे मोड़ में। वैसे ये सेटअप भी बिल्कुल एडिक्वेट है, किसी भी कंडीशन में चलाइए। साथ ही पीछे चलिए टेल लैम्प में, टेल लैम्प बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फुल LED सेटअप बना के दिया गया है, यहाँ पर भी आपको ट्रिपॉड डिज़ाइन का यूज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा लगने वाला है। यहाँ पर अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प आपको देखने को मिलेंगे, ये भी कुछ आपको दिए गए, और लाइसेंस प्लेट के लिए आपको नॉर्मल सा यहाँ पर लाइटिंग सेटअप दिया गया है। तो ये कुछ थी आपकी ऑल न्यू बलिनो। इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर में लाइटिंग सेटअप ज़्यादा फंकी नहीं रखा गया, बिल्कुल सिंपल सा रखा गया है। यहाँ देखेंगे तो आपको हैलोजन का सेटअप दिया गया है, वही चीज़ पीछे भी दिखेगी। LED सेटअप का इस्तेमाल पीछे और आगे नहीं किया गया, सिर्फ जो लाइटिंग सेटअप है, जो मेन लाइटिंग सेटअप है वहीं पर आपको मिलेगा। इंजन स्टार्ट करने के बाद भी सब कुछ रहने वाला है, ईमेल लाइटिंग और ये सारी चीज़ें बाद में दिखाते हैं क्या सब कुछ है, बट गाड़ी ओवरऑल काफ़ी सही लाइटिंग पैकेज के साथ आती है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है इसका नाइट ड्राइव रिव्यू। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, गाड़ी की लाइटिंग अच्छा परफॉर्म करती है रात को भी। तो मिलता है ऐसी और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।